तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी के 11 प्रो फोन के बारे में। अगर आपके पास रियलमी का 11 प्रो फोन है, फाइनली अगर आप लोग चाहते हो रियलमी के 11 फोन के डायलर के अंदर से ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को एनेबल करना एंड ऑन करना चाहते हो, तो फाइनली आज के वीडियो में मैं आप लोग को इसी के बारे में बताने वाला हूँ। फाइनली साथ में हम बात करेंगे, जब भी आप गूगल डायलर के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो आपके पास एक अनाउंसमेंट आते हैं, उस अनाउंसमेंट को आप लोग ऑफ कर सकते हो एंड कैसे करना है, सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूं। क्या है कि अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर देते हो तो फाइनली इस सामने वाले बंदों को पता चल जाता है कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल किया है। तो इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद आप लोग अपने फोन में अनाउंसमेंट नहीं आएगा, आपके सामने वाले बंदे को नहीं पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को इसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर हम बात करने वाले हैं रियलमी के 11 प्रो फोन के ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग कैसे इनेबल करें, इसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। तो फाइनली आपको क्या करना है, गूगल डायलर अगर आप लोग यूज कर रहे हो रियलमी के 11 प्रो फोन में, तो फाइनली आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको मिल जाते हैं डायलर। तो डायलर के अंदर अगर आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग को यहां पर करते हो तो फाइनली यहां पर आपको कोई भी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल नहीं होता है, यहां पर देख सकते हो। जब आप इसे इनेबल करोगे तभी जाकर आपके फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल होगा, अदरवाइज आपके फोन में नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, यहां पर क्या करना है, कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। सेटिंग के अंदर आपको मिल जाता है यहां पर एक थ्री लाइन कॉर्नर में डायलर के अंदर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहां पर एक सेटिंग मिलेगा, तो सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपके फोन में एक ऑप्शन मिल जाता है रिकॉर्डिंग का, कॉल रिकॉर्डिंग का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। सॉरी दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। कॉल रिकॉर्डिंग पे आपने क्लिक किया, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको मिल जाते हैं कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, यहां पर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड अननोन नंबर्स, तो यहां पर आपको लिखा गया है, इससे आपको ऑन करना है और यहां पर आपको ऑलवेज कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेना है, तो आपका ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल हो जाएगा। अब जब भी आपके पास कोई अननोन नंबर से कॉल आएगा तो आपका ऑटोमेटिक से कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल हो जाएगा, जो नंबर आपके कॉन्टेंट के अंदर सेव है उस पर नहीं हो पाएगा। तो उस पर कैसे करना है, आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां से आप लोग कंटेंट पे जा सकते हो और कंटेंट के अंदर जितने भी नंबर है उसे आप लोग यहां से उठा सकते हो इस तरीके से और यहां पर लाकर रख दोगे एंड उस पे भी आपका ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहां पर अगर आपने कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर रखा है, आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है उस नंबर के अंदर, तो फाइनली आप लोग सोचते हो कि मेरा कॉल रिकॉर्डिंग 10-15 दिन के अंदर में डिलीट क्यों हो जाता है, तो फाइनली ये चीज होता है आपके फोन में डिलीट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहां पर लिखा गया है। यहां पर क्लिक करते हो तो आपको यहां पर 3 से 4 ऑप्शन मिलता है, 7 days and 14 days and 13 days। तो आप अगर 7 days, 14 days या 13 days पे सेट कर देखो तो आपका कॉल रिकॉर्डिंग जाहिर सी बात है डिलीट हो जाएगा। अगर आप यहां पर नेवर पे क्लिक कर देते हो तो आपका कभी भी उस नंबर से कॉल रिकॉर्डिंग फाइल को डिलीट नहीं कर पाओगे एंड ना डिलीट होगा जब तक आप लोग नंबर को नहीं डिलीट करते हो। तो फाइनली इस तरीके से आप लोग चेकआउट कर लेना और मैंने बता दिया ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करने के बारे में। अब दोस्तों, यहां पर चलते हैं, हम बता देते हैं आप लोगों को, जब आपने कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो आपका कॉल रिकॉर्डिंग फाइल कहां पर सेव होता है। तो फाइनली इस नंबर पे होता है सेव, इस तरीके से यहां पर, और अदरवाइज आपको नहीं मिलता है जब दूसरा कॉल कर देते हो इस नंबर पे तो उस पहले वाला कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है। तो आपको एक हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, हिस्ट्री पे क्लिक करके आना है और इसके अंदर जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग होंगे यहां पर शो कर देंगे। अब दोस्तों, मैंने इसके बारे में बता दिया, अब चलते हैं हम कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यहां पर हम करते हैं कॉल, यहां पर आप लोग को अनाउंसमेंट सुनाई नहीं दिया होगा, अनाउंसमेंट नहीं आ रहा, देख सकते हो। जब भी आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो अनाउंसमेंट एक आएगा फाइनली इस तरीके का। तो फाइनली आपको क्या करना है, यहां से फोन को कट करना है एंड आपको एक ऐप बताता हूं, उस ऐप से आप लोग अनाउंसमेंट को ऑफ कर सकते हो। तो ऐप यहां पर मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर के अंदर और ये वाला ऐप है TSLEXX, इसे डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इस वाले एप्लीकेशन पे सेट कर देना, ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग जब होगा तो आपके पास कोई अनाउंसमेंट नहीं आएगा, ना ही आपके सामने वाले बंदे को पता चल पाएगा कि आप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो फाइनली इस तरीके से आपको क्या करना है, यूज कर लेना है और यहां पर आपको एक बार फिर से डायलर के अंदर आकर कॉल कर लेना है।
जैसे मेरे फोन में कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल हुआ एंड कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया, तो फाइनली आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हो एंड आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करने के बारे में मैंने बता दिया, रियलमी के 11 प्रो 5G फोन में आप लोग चेकआउट कर लेना एंड यूज कर लेना। फाइनली इधर पर अगर आप लोग को रियलमी का डायलर यूज करना, तो फाइनली आपको प्ले स्टोर के अंदर रियलमी का डायलर भी मिलता है, वहां से आप लोग उसे भी डाउनलोड करके अपने फोन में यूज कर सकते हो। सर्च कर लेना रियलमी डायलर, तो फाइनली आप लोग को मिल जाएगा प्ले स्टोर के अंदर से, वहां से आप लोग डाउनलोड करके अपने फोन में यूज कर सकते हो डायलर भी। उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, यहां पर डायलर यूज करोगे कोई भी अनाउंसमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो फाइनली आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।